22 साल का लड़का किसका ये तो बता दे। वो 22 साल का लड़का किसका ये तो बता दो। नोट का नाम मेरी बहन को जब फोटो में मुझे दुख है कि मेरी कोशिश कामयाब नहीं हुई, क्योंकि उम्मीदवार हूँ और चुनाव आयोग हर उम्मीदवार, हर पार्टी के उम्मीदवार को इजाजत देता है कि आप पोलिंग बूथ जाएं, आप अपने पोलिंग एजेंट को मिले, चुनाव अधिकारियों से मिले, पुलिस से मिले, मतदाताओं से मिले और इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ तरीके से चल रहा है। और खुशी की बात है, सब कुछ तरीके से ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैं पोलिंग बूथ से बाहर आती हूँ, आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके बेटे, येलो पगड़ी में जो, वो उनके बेटे हैं, वो खड़े पुलिस से उलझ रहे थे कि उन्हें अंदर पुलिस जाने दे। और पुलिस उनको बार बार ये कह रही थी कि आपको नहीं इजाज़त, अपने पिताजी को लाइए, आप उम्मीदवार नहीं हैं, आपके पिताजी उम्मीदवार हैं। और वो पुलिस से उलझ रहे थे। जब मैं वापस आई, बाहर आई, तो इनके साथ जो इनका कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी का, 6-7 सालों से जानती हूँ, चंद्रावल रहता है नाम हरमेश, उसने बहुत गंदी माँ बहन की गालियाँ जो है वो दी, बिल्कुल दी, क्योंकि उनकी गुस्सा और बौखलाहट था कि अलका लांबा अंदर से आ रही है, हमें क्यों नहीं इजाजत दी जा रही। तो वो पुलिस समझा रही थी, अलका लांबा उम्मीदवार है, कैंडिडेट है कांग्रेस की, आप उम्मीदवार नहीं है, आपके पिताजी उम्मीदवार हैं, इसलिए वो बौखलाहट थी। उसने मुझे गाली दी माँ बहन की, और उसके तुरंत बाद पुलिस ने, मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद करती हूँ दिल्ली पुलिस का, तुरंत उसको पकड़ा, गिरफ्तार किया और चौकी पर ले गई। और अब 6 बजे के बाद मैं तय करूंगी क्या करना है। पर दुख की बात है, जो अरविंद केजरीवाल सीसीटीवी कैमरे लगा के महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, वो थोड़ा महिलाओं के सम्मान का भी ध्यान रखें। आपके पार्टी के उम्मीदवार का बेटा वहाँ खड़ा हुआ, बदमाशी गुंडागर्दी करते हैं, अभद्र भाषा, गंदी माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, आप उनकी निंदा करने की बजाय, उनसे माफ़ी मांगने की बजाय, पुलिस ने यूं तो गिरफ्तार से पकड़ के नहीं लेगी ना उन्हें, अरेस्ट करके सबूत है। सो मुझे लगता है दुर्भाग्य है कि आज किसी भी तौर तरीके से नाक का प्रश्न केजरीवाल ने इस सीट को बनाकर रख दिया है कि कोई भी तरीका अपनाइए, ये सीट जीतनी है उन्हें। मैं उस पर बोल दिया, चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, चुनाव आयोग को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।